वंदे गो मातरम गो भक्तो। आज गो माता के लिए लापसी की प्रसाद तैयार हो रही है और आज लापसी की प्रसाद के भामाशाह हमारे प्रिय गो भक्त जो ये होती है गो भक्तों की गो सेवा और शुभ कार्य में अगर गो माता से आशीर्वाद नहीं लेते उनके शुभ कार्य कोई काम का नहीं। आप चाहे जागरण दिला दो चाहे कोई भी कितनी बड़ी स्वर्ण जीवा दो आप कितना भी बड़ा शुभ कार्य करो अगर आपका गो माता को पहले प्रसाद नहीं खिलाया या गौ माता को पहले प्रसाद नहीं दिया गौ माता के आत्मा और गौ माता के आशीर्वाद नहीं लिया तो आपका पुण्य किया हुआ 0 पॉइंट है। ऐसे हमारे परम गौ भक्त जिन्होंने आज घर पे नए घर का जो ओपनिंग है हमारे गौ भक्त शरण कुमार श्रीमान मांगीलाल जी सब की नानी परिवार जिनके बहुत ही भव्य घर बनाया गया है जो गृह प्रवेश है। गृह प्रवेश में हमारे विष्णु समाज के पूज्य संत भागीरदास जी आचार्य साहब की बहुत ही विशाल जागरण रखी गई है और उस जागरण में आज शाम को जागरण रखी है उससे पहले आज गौ माता के लिए लापसी की प्रसाद दे करके और पहले गौ माता से आशीर्वाद लिया और अब आज संध्या को जागरण है। आप सभी जागरण में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गौ भक्त पधारे। हमारे परम गौ भक्त मांगीलाल जी कृष्णा जी साहू चोरा बहुत ही अच्छे गौ भक्त हमेशा गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। गौ भक्त दिनेश जी शरवण जी और सिनोप श्रीमान मांगीलाल जी सब की नानी परिवार चोरा हाल बेंगलोर बहुत ही अच्छे गौ भक्त है। आज शुभ कार्य से पहले गौ माता से आशीर्वाद लेकर के और फिर गृह प्रवेश के लिए आज विशाल भव्य जागरण रखा गया है और गौ माता से आशीर्वाद लिया। बहुत बहुत बधाई ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके परिवार में खुशियों से भंडार भरा रहे। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके गृह प्रवेश में मंगलमय हो भगवान की असीम कृपा बनी रहे गौ माता का आशीर्वाद रहे गुरु जम्बेश्वर भगवान का आशीर्वाद रहे आपके परिवार में हमेशा खुशियों से परिवार महकता रहे आपके परिवार में सुख संपत्ति रहे यही गौ माता से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत बधाई जय गौ माता जय गोपाल।